एक सुनसान सड़क। कहते हैं ऐसी सड़कों पे कभी भी बिना जानकारी के जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कब कौन सी मुसीबत आपका वहां पर बैठे स्वागत कर रही हो आपको पता ही नहीं चलता। कुछ इसी प्रकार आज की कहानी में जानिए कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपनी सवारी को बैठाकर एक ऐसी ही सुनसान रास्ते पर निकल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उस रास्ते पर उसके लिए कुछ डरावनी और दिल दहला देने वाली चीजें वहां बैठे उसका इंतजार कर रही है। लेकिन शायद उस दिन उसकी थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी जो अपनी वहां से वो जान बचा पाया, वरना उसका बचना लगभग मुश्किल था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी मुझे भेजी है शिवा ने, तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं शिवा की कहानी मेरी जुबानी। ये किस्सा घटा एक सूरज नाम के लड़के के साथ। सूरज एक ऐसा लड़का जो अंदर से बहुत पक्का और मजबूत हो चुका था। बचपन में ही उसके माता पिता एक बीमारी के चलते उसे छोड़कर जा चुके थे। वो घर का अकेला लड़का था जिसके चलते वो अब अकेला पड़ गया था। जब वो छोटा था तो वो अपने ताऊजी के यहाँ ही रहा, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा और उसके अंदर समझ आ गई थी तो वो अपने घर वापस आ गया और अपना कमाना खाना उसने शुरू कर दिया। शुरुआती समय में तो उसने मजदूरी करी, काफी दिलेर और पक्का बंदा था, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता था। काफी लंबे समय तक उसने मजदूरी करी जिसके चलते उसने थोड़ा बहुत पैसा कमाया और उसी कमाए हुए पैसे से उसने एक सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा खरीद लिया था। अब वो अपने खरीदे हुए रिक्शे को चलाकर ही पैसा कमाता था। अब उसके मन की थी वो कभी भी अपना ऑटो रिक्शा लेके निकल जाता था, कभी सुबह, कभी दोपहर या तो फिर कभी शाम के लिए। लेकिन वो रोज जाता था और कुछ ना कुछ अपने लिए कमा कर लाता था। एक दिन ऐसे ही सूरज की तबीयत थोड़ी गड़बड़ा गई, उसको बुखार हो गया जिसके चलते वो दो दिन तक ऑटो चलाने नहीं जा पाया। तीसरे दिन जब वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा तो सोचने लगा कि यार दो दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूं और घर बैठे बैठे मैं बोर भी हो गया हूं। आज थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूं तो क्यों ना आज रात के समय ऑटो लेकर जाया जाए और थोड़ा पैसा भी कमा के लाया जाए, क्योंकि दो दिन से घर में कोई पैसा नहीं आया है। तो बस फिर उसी रात उसने अपना ऑटो बाहर निकाला और कमाने के लिए निकल पड़ा। पहले वो स्टेशन के पास गया, वहां से उसे थोड़ी बहुत सवारी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक से मौसम बिगड़ गया। दरअसल सुबह से ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जिसके बाद रात को काफ़ी तेज़ आंधी आई और उसके बाद बौछारें और बारिश भी शुरू हो गई। जैसी ही बारिश शुरू हुई फिर सूरज को सवारी मिलने में काफ़ी मुश्किलें होने लगी। पहले तो मिल रही थी लेकिन बाद में अब सवारी नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके बाद भी सूरज थोड़ी देर इंतज़ार करता रहा कि कहीं ना कहीं कोई तो सवारी मिल ही जाएगी, अब आया हूँ तो थोड़ा कमा के ही जाऊँ। काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा लेकिन उसको सवारी नहीं मिल रही थी, जिसके बाद स्टेशन से वो ऑटो स्टैंड पे भी पहुंच गया। वहां पे भी काफ़ी देर खड़े होकर उसने इंतज़ार किया लेकिन अब भी उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि बरसात भी अब काफ़ी तेज़ हो गई थी। रात के करीब 10:30 से ज़्यादा का समय हो चुका था। वो सोच रहा था कि थोड़ी देर और इंतज़ार कर लूं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर घर ही वापस चला जाऊंगा। अब ज़्यादा देर रुकना ठीक भी नहीं है, अब बारिश भी तेज़ ही हो गई है। वो खड़ा ही था कि उसने देखा कि सड़क की उल्टी तरफ एक परिवार जिसमें देखने में मियाँ बीबी और उनका एक छोटा लड़का लग रहा था, वो खड़े होकर वहां से मुझे आवाज़ लगा रहे थे ऑटो ऑटो कहकर। उन्होंने छाता ले रखा था, मुझे लगा कि इन्हें सवारी की ज़रूरत है, तो मैंने अपना ऑटो स्टार्ट किया और घुमाकर उनके सामने लाकर लगा दिया। मैंने उनसे पूछा कि जी बताएं। उन्होंने एक गाँव का नाम बताया और वो गाँव वहां से थोड़ा दूर था। उन्होंने बोला कि यहां हमें जाना है, अगर चलो तो बताओ। मैं सोच में पड़ गया क्योंकि गांव दूर था, जाने में भी टाइम लगेगा और वापस भी लौट कर आना था, लेकिन अगर इस सवारी को मैं बैठाकर वहां पर ले गया तो इकट्ठा काफ़ी पैसा भी आ जाएगा और पैसा ज़्यादा कमाया भी नहीं है। इसी लालच में मैंने उनको हाँ बोल दिया और बैठाकर उनके गांव की तरफ अपना ऑटो रिक्शा लेके निकल पड़ा। दरअसल मुझे एक हाईवे पर चढ़कर काफ़ी दूर आगे जाने के बाद एक कट से मुड़कर उस गाँव की तरफ पहुँचना था। सफ़र थोड़ा लंबा था लेकिन मैंने कहा कि अब आखिरी सवारी को बैठाकर मैं यहाँ से निकल चलता हूँ और बस उन्हें बैठाकर मैं आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर बाद मैं अपने हाईवे पे भी चढ़ गया और अब रास्ता एकदम सीधा सीधा था। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि एक आदमी आगे खड़ा होकर मुझे हाथ दे रहा था।
मैं जैसे ही उसके पास जाके अपना ऑटो रिक्शा रोका तो देखा एक बुजुर्ग आदमी है, उसने छाता ले रखा है और वो आगे के लिए सवारी मांग रहा था। मैंने उससे बोला कि बाबा मैं बैठा तो लूँ लेकिन मैंने एक सवारी बैठा रखी है, अगर उनको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपको बैठा लूँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि इनको मैं बैठा लूँ, थोड़ा आगे ही जाना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उन बाबा को अपने ही बगल में बैठा लिया और ऑटो लेकर निकल पड़ा। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आप इतनी रात में कहाँ से आ रहे थे? लेकिन बाबा ने मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद वो सुन नहीं पाए, तो मैंने उनसे दोबारा बोला कि बाबा इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो, बरसात भी हो रही है। लेकिन इस बार उन्होंने मेरी तरफ देखा। जब मैंने उनका चेहरा देखा तो वो देखने में काफ़ी चिंता में लग रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने बस मुझे देखा और वापस से मुँह आगे करके बैठ गए और इस बार भी उन्होंने कुछ पलट कर नहीं बोला। मैं मन ही मन सोचने लगा कि शायद किसी चिंता में है, किसी परेशानी में है, ज़्यादा इनसे बात करना ठीक नहीं है, बेकार में इनको मैं परेशान कर रहा हूँ। तो मैं भी अपना चुपचाप ऑटो चलाने लगा। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद बाबा ने ऑटो साइड में रुकवा दिया। जब ऑटो साइड में रुकवाया तो वो उतर के बाहर खड़े हो गए। मैंने आजू बाजू देखा तो ना वहाँ कोई मोहल्ला, ना कोई गांव, ना कोई घर, चारों तरफ बस खुले खेत ही खेत थे। और बाबा ने बोला कि मुझे बस यहीं जाना है। मैंने उनको पलट के बोला कि बाबा यहाँ से कहाँ जाओगे, यहाँ तो ना कोई खेत है, ना घर है, ना गाँव है, यहाँ से कहाँ जाओगे, आप बैठ जाओ, जहाँ पर आपका घर होगा मैं वहाँ पर छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया और अपने जेब से पैसे निकाल कर मुझे देने लगे। लेकिन मैंने उनसे पैसे नहीं लिए। मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप रखो, इतनी दूर के मैं आपसे क्या ही पैसे लूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना ऑटो स्टार्ट किया और वहाँ से निकल पड़ा। मैं अपनी धुन में ऑटो चलाए ही जा रहा था कि मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 किलोमीटर ही आगे आया था कि मैंने देखा कि एक आदमी और आगे खड़ा होकर मुझे हाथ दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि ये कोई और आदमी नहीं बल्कि ये वही बुजुर्ग आदमी था जिसे मैं पीछे छोड़कर आया था। मैं देख के चौंक गया। मैंने अपना ऑटो रिक्शा उनके बगल में रोका और उनसे पूछा कि बाबा आप यहाँ कैसे, और मन ही मन सोचने लगा कि ये आदमी मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया, बल्कि मेरा ऑटो रिक्शा तो इतना तेज चल रहा है। लेकिन उस आदमी ने फिर यही पलट कर बोला कि मुझे आगे तक छोड़ दे। पीछे बैठा परिवार भी ये बोलने लगा कि यह आदमी इतनी जल्दी ऑटो से आगे कैसे आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन मैंने बाबा को बोला कि बैठ जाओ, बरसात भी हो रही थी, और उनको आगे बैठा कर मैं दोबारा से अपना ऑटो चलाने लगा। मैंने उनकी तरफ पलट कर देखा तो वो अब भी चिंता में ही लग रहे थे, लेकिन मुझे अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी मेरे से पहले इस जगह पर कैसे पहुंच गया। लेकिन इस बार फिर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उस आदमी ने ऑटो रिक्शा रुकवा दिया और बोला कि मुझे यहीं जाना है, और उतर के मुझे पैसे देने लगा। लेकिन इस बार जब वो मुझे पैसे दे रहा था तो मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसे देख मैं थोड़ा डर गया। जैसी ही मेरी नजर उस बूढ़े आदमी के पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा उस आदमी के पैर में ना ही कोई चप्पल, ना ही कोई जूते, और उसका पूरा पैर, पूरा पंजा खून में भीगा हुआ था। और ये देखने के बाद जैसे ही मैंने वहां देखा जहां पे ये पैर रख के बैठे हुए थे मेरे ऑटो रिक्शा में, तो वो जगह भी खून में भीगी हुई थी, जिसे देखने के बाद मैं थोड़ा डर गया और ऑटो रिक्शा तुरंत स्टार्ट करके वहां से भागने लगा। मेरे मुंह पे घबराहट अलग ही दिख रही थी, जिसे पीछे बैठे हुए परिवार ने भी देखकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? लेकिन मैंने उनसे बोला कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, और मैं घबराता हुआ ऑटो वहां से थोड़ा तेज चलाने लगा। थोड़ी दूर घबराते घबराते जब मैं ऑटो आगे ले जा रहा था तो मैंने देखा कि फिर से एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा हाथ दे रहा था, लेकिन इस बार वो सिर्फ हाथ ही नहीं दे रहा था बल्कि कुछ चिल्ला भी रहा था। जैसे जैसे मैं उस आदमी के करीब पहुंच रहा था तो मेरे को समझ में आ गया था कि ये और कोई आदमी नहीं बल्कि ये वही बूढ़ा आदमी है जिसको अभी मैं आगे तक छोड़ कर आया था। इस बार मैं समझ गया था कि अब इसके पास रोकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आदमी कुछ और ही है। मुझे इससे डर लग रहा है, उसके पैरों में खून देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो इस बार मैंने मन बना लिया था कि इस बार मैं तेज़ी से यहाँ से निकल जाऊँगा, और मैंने किया भी वही। लेकिन जब मैं अपना ऑटो उसके सामने से तेज़ी से लेके गुजरा तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ ये थी कि अपने पैसे ले ले। वो आदमी चिल्ला कर ये बोल रहा था कि तू अपने पैसे ले ले, लेकिन मैंने नहीं रोका। इसके बाद मैं ऑटो अपना तेज़ चलाता हुआ ले जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ऑटो के साइड मिरर में देखा तो मैंने देखा कि वो आदमी, वो बूढ़ा आदमी ही ऑटो के पीछे भाग रहा था,
यकीन करें उस समय मेरे ऑटो की रफ्तार 50 से ऊपर थी और वो आदमी इतनी तेज भाग रहा था कि उसकी रफ्तार और ऑटो की रफ्तार में फर्क ही नहीं था, बिल्कुल बराबर भाग रहा था। इतनी तेज भागता हुआ आदमी और हाथ में उसके पैसे दिख रहे थे और वो अब भी यही बोल रहा था कि अपने पैसे ले ले। मैं डर गया, मैं इतना डर गया और इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैंने ऑटो और तेज चलाने लगा। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वो आदमी अब भी मेरे ऑटो के बराबर ही भाग रहा था, लेकिन इस बार वो आदमी ऊपर से नीचे तक पूरा खून में सना हुआ था। ऐसा देखने में लग रहा था जैसे वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। वो पूरा खून में था, सर से लेके पैर तक उसके कपड़े भी खुलहू लुहान हुए हुए थे, लेकिन वो आदमी मेरे पीछे भाग रहा था। ये चीज़ देखकर मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैं ऑटो और तेज़ी से चलाने लगा। मेरी घबराहट देख के उस परिवार ने मुझसे दोबारा बोला कि भाई साहब आप ठीक तो हो, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ इतना बोला कि आप पीछे पलट के मत देखिएगा, सीधे आप बैठे रहिए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। जिसके बाद मैं अपना ऑटो रिक्शा और तेज़ी से बढ़ाने लगा। इस बार मैंने अपने साइड मिरर में नहीं देखा और मैं अपना ऑटो चलाता गया, क्योंकि मुझे पता था कि वो बूढ़ा आदमी अब भी मेरे ऑटो रिक्शे का पीछा कर रहा होगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कोई इंसान नहीं था, ये मैं समझ चुका था। मैं ऑटो रिक्शा चलाता गया और थोड़ी देर बाद वो कट भी आ गया था जिधर से इनके गांव का रास्ता भी था, और मैंने फिर वहां से अपना ऑटो रिक्शा उस मोड़ पे घुमा दिया। जैसे ही मैंने उस मोड़ पे वो ऑटो रिक्शा घुमाया तो मैंने साइड मिरर पे दोबारा देखा, लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ चुका था कि ये जो भी था ये बस उस हाईवे तक का ही था, अब वो यहाँ नहीं है। मैंने अपना ऑटो रिक्शा थोड़ा धीमा किया क्योंकि ऑटो रिक्शा इतना ही तेज़ चल रहा था कि उसमें से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मुझे डर था कि कहीं मेरा ऑटो रिक्शा ख़राब ना हो जाए क्योंकि पुराना वैसी था। लेकिन जब मैंने धीमा किया तो मैंने थोड़ी जाकर राहत की सांस भी ली कि आखिरकार उस आदमी से पीछा तो छूटा। तो जब मैंने अपना ऑटो रिक्शा धीमा किया तो उस परिवार ने मुझसे दोबारा पूछा कि भाई साहब क्या हो गया था, तो मैंने उन्हें बताया कि आखिरकार अभी ऐसा मैंने क्या देखा था। वो सुनने के बाद वो परिवार भी थोड़ा डर गया, उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ हमने भी ऐसा कुछ नहीं देखा, नहीं तो हम भी डर जाते। मैंने कहा कि आप डरिए मत और आप घबराइए तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको अपने गाँव छोड़ दूंगा। तो मैं ऑटो धीमे धीमे वहाँ से चलाने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने उस परिवार से पूछा कि आपको गाँव के अंदर छोड़ना है या गाँव के बाहर, लेकिन पीछे से किसी भी इंसान का कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि उन्होंने शायद सुना नहीं, तो मैंने दोबारा से बोला कि आपको गांव के अंदर छोड़ूं या गांव के बाहर, लेकिन इस बार भी उन तीनों में से किसी का कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद मैंने ऑटो रोका और पीछे मुड़कर देखा कि आखिरकार बात क्या है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा और देखा तो तीनों में से ऑटो में कोई नहीं था, वो तीनों वहां से गायब थे। मैं चौंक गया, मैं ऑटो से तुरंत बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा कि ये कहां चले गए, क्योंकि ऑटो से उतर के जा ही नहीं सकते क्योंकि ऑटो तो चल रहा था, और अगर उस समय भी उतर के जाते तो मुझे पता चल जाता, लेकिन ये तीनों आखिरकार कहां गायब हो गए। ये चीज देखने के बाद मैं समझ चुका था यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सूरज यहां से निकल चल। मैंने अपना ऑटो स्टार्ट किया और घुमाकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। मैंने कहा सवारी को तू छोड़, तू अपने घर पहुंच। लेकिन जैसे ही मैंने अपना ऑटो वापस अपने घर की तरफ मोड़ के आगे निकला तो मैंने देखा कि वो तीनों परिवार के सदस्य अचानक से मेरे ऑटो के सामने आ गए, और वो कोई साधारण तीनों आदमी नहीं थे जैसे वो पहले मेरे ऑटो रिक्शा में बैठे हुए थे। वो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, बल्कि वो तीनों भी खून में सने हुए थे ऊपर से नीचे तक। तीनों, वो मियाँ बीबी और उनका वो बच्चा, खून में सना हुआ था, और ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से लग रहे थे जैसे किसी दुर्घटना के शिकार हुए। जैसे वो बूढ़ा आदमी था ठीक, ये तीनों भी बिल्कुल वैसे। जिन्हें देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैंने अपने ऑटो से काबू खो दिया और मेरा ऑटो एक सड़क के किनारे पेड़ में जाकर लगा और उसके बाद सड़क के किनारे पलट गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। जब मैं उठा तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं यहाँ कैसे, तो उन्होंने बताया कि गाँव के कुछ लोग लेकर तुम्हें यहाँ पर आए थे, तुम सड़क किनारे बेहोश थे। डॉक्टर ने बोला कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा बिल विल सारा गांव वाले भर के चले गए। मैंने डॉक्टर से बोला कि अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा तो मैंने देखा कि एक परिवार काफ़ी तेज़ रो रहा है। मैं समझ गया था कि वो रो रहे हैं, यानी उनका कोई परिवार का सदस्य शायद ख़त्म हो गया, और जैसा मैंने सोचा ठीक वैसा ही था। उनके आगे एक नहीं बल्कि चार लाशें रखी हुई थी। चार लोगों के जाने का गम बहुत बड़ा होता है,
मैंने देखा कि कुछ लोग थे जो उनकी लाशों के पास खड़े थे और वो बहुत ज़ोर से रो रहे थे, और कुछ लोग वहाँ पे खड़े उन लाशों का चेहरा भी देख रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं उन लाशों के करीब से बगल से गुजरा तो मेरी नज़र भी उन लाशों के चेहरों पर पड़ गई, और यकीन करें दोस्तों, उसके बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं उसी वक्त नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। जैसे ही मैंने उनके चेहरे देखे, मेरा इतना बुरा हाल था कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो चारों लोग कोई और नहीं बल्कि वही चारों लोग थे जिनका सामना कल मैंने किया था अपने ऑटो में। सूरज ने जब ये सारी हरकतें देखी तो सूरज का दिमाग एकदम बेकाबू हो गया। वो तुरंत वहां से उठा और उसने उस आदमी से पूछा जो उस लाश के पास खड़ा था कि ये चारों कौन है। तो उस आदमी ने बताया कि ये बूढ़े जो व्यक्ति हैं वो उसके पापा हैं, और ये जो तीन हैं वो इसके भैया थे, उसके भाभी और उनका लड़का। तो उसने पूछा कि ये कब ख़त्म हुए। तो उस आदमी ने बताया कि कल शाम ये लोग कहीं से गाड़ी में बैठकर घर लौट रहे थे कि अचानक इनका हाईवे पे एक ट्रक से हादसा हो गया और ये उसी वक्त ख़त्म हो गए थे। लेकिन हम तब भी उनको हॉस्पिटल लेकर आए थे, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। रात को इनको हम ले जा नहीं सकते थे, तो अब सुबह इनको हम यहाँ से घर ले जा रहे हैं। ये बात सुनकर सूरज उसी वक्त दोबारा बेहोश हो गया। सूरज को दोबारा से अस्पताल में भर्ती किया गया और उसका इलाज दोबारा से चालू किया गया। लेकिन जब वो दोबारा होश में आया तो उसने अपने ताऊजी को अपने पास पाया। जब उसने अपने ताऊजी के पास में पाया तो वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, उसने गहरी सांस ली और अपने ताऊजी से सिर्फ ये बोला कि ताऊजी मुझे आप घर ले चलिए, मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकना चाहता। उसके ताऊजी ने बोला कि ठीक है। उसके ताऊजी सूरज को उसी वक्त अपने साथ घर ले गए। सूरज ने अपने ऑटो तक की भी नहीं सोची कि उसका क्या हाल होगा क्या नहीं, लेकिन वो घर जाना चाहता था। जब सूरज अपने घर पहुंचा तो उसने सारा वाक्य अपने परिवार और अपने ताऊजी को बताया, जिसे सुनने के बाद सबके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकला कि तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू उन सबसे बच गया, वरना वो आत्माएं जिनकी मृत्यु हाल ही में होती हैं वो भटकती हैं, वो इंसानों को जल्दी छोड़ती नहीं, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तेरी जान बच गई। उसके बाद से सूरज आज तक कभी भी रात में ऑटो नहीं चलाता, बल्कि आज सूरज के अंडर 4 से 5 लड़के और काम करते हैं जो ऑटो चलाते हैं, लेकिन उनको भी सूरज कभी रात में ऑटो चलाने नहीं देता। सूरज उस हादसे के बाद इतना घबरा गया था कि उसने रात के लिए बाहर तक आना जाना भी बंद कर दिया था। यकीनन उस हादसे के बाद सूरज की जिंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई थी। दोस्तों यही थी कहानी शिवा की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें। आप जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियां आप लोगों के लिए जल्द और लेके आऊँगा। मिलूँगा आप सबसे एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।